नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने ली कमेटी की समीक्षा। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जिला मुरादाबाद के नगर पंचायत अध्यक्षों व महानगर मुरादाबाद के वार्ड अध्यक्षों के साथ की समीक्षा बैठक, जिसमें सभी वार्डों के वार्ड अध्यक्ष व नगर पंचायत अध्यक्ष एवं जिला व महानगर कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार हाजी वकी रशीद एडवोकेट ने होने वाले नगर निकाय चुनाव में पार्षद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष मुहीद फरगानी एडवोकेट, शमीम अहमद तुर्क, महताब चौहान, सकीर रायनी, एहतेशाम मंसूरी, साजिद सैफी, आमिल एडवोकेट, मो फहीम, गुलाम रसूल, हाजी मशकूर, वहाजुद्दीन, कासिम अंसारी, कासिम अली, मुस्तफा मालिक, इरशाद मालिक, हाजी इसरार व अन्य पदाधिकारीगण व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, मुरादाबाद में हम संगठन की समीक्षा करने आए, चूँकि अतिरिक्त प्रभार मेरे पास मुरादाबाद जिले का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, आप लोगों के सामने हमने समीक्षा की। जो लोग कहते थे कि AIMIM खाली फेसबुक पर है, सोशल मीडिया पर है, यहाँ मैं 2 घंटे से समीक्षा कर रहा हूँ, जबकि हर वार्ड अध्यक्ष से बात भी नहीं हो पाई है, और अभी कुछ लोग रास्ते में आ भी रहे हैं। बहर कैब आगे हम लोग इंशाल्लाह एक एक नगर पालिका नगर पंचायत में, हमारे पश्चिमी यूपी के अध्यक्ष यहाँ पे जोन के जोनल प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अपनी जो बॉडी, इनकी जो कमेटी है, वहाँ के लोगों को एक एक नगर पालिका का प्रभार दिया है। मैंने स्टेट के लोगों को ज़िले का प्रभार दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड पर है। और इस मर्तबा नगर निकाय चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक इतिहास कायम करने जा रही है। बहुत अच्छा, मुरादाबाद की आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो मोहब्बत मुझे मुरादाबाद से, जाहिर सी बात है कि आपको जहाँ मोहब्बत मिलेगी आप भाग के वहीं जाओगे, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले मुझे मुरादाबाद में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पूरी मुरादाबाद की बिरयानी पूरे उत्तर प्रदेश में बिकती है, ये भी और अच्छा है। हैदराबाद की बिरयानी मुरादाबाद में बिकती है, ये भी अच्छी बात है। तो मुरादाबाद वालों ने हम लोगों को पसंद कर लिया है, और हम मुरादाबाद वालों के को पसंद करते हैं, इसलिए हम भाग भाग के मुरादाबाद आते हैं। लोकसभा की सीट भी हम मुरादाबाद लड़ने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेमीफाइनल है 2024, इंशाअल्लाह ताला फाइनल भी हम लड़ेंगे। हमारी पूरी टीम तैयार है, देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ हम आते थे 10-20-25 5 लोग होते थे, आज 500 लोगों की तादाद आपने देखी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने स्टेट पे से किया, देखिए साहब, मैं वो एक बात थी, ठीक है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि मजलूमों की बद्दुआएं लगती है, इसलिए कह रहा हूँ कि जालिम तू जुल्म ना कर, मजलूम की बद्दुआ कभी मत ले, वरना उसकी बद्दुआ लग जाती है, अल्लाह सुबहान ताला सुन लेता है। निकाय चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। आज देखिए हमारे वार्डो में वो लिस्ट कहाँ है, वो हम देखिए यहाँ वार्ड में जो है कुछ आज अनाउंसमेंट भी, हम 11 लोगों की लिस्ट हमने आज, कहाँ है वो लिस्ट लाइए। वार्ड नंबर मैं बता दूँ, वार्ड नंबर जो है 30 से मोहम्मद, क्या लिखा है, साजिद सैफी, वार्ड नंबर 35 से शाहरुख सैफी, वार्ड नंबर 38 से नजमा, वार्ड नंबर 41 से नदीम सैफी, वार्ड नंबर 49 से डॉक्टर महमूद हसन, वार्ड नंबर 51 से डॉक्टर अफशा अंसारी, वार्ड नंबर 56 से मोहम्मद नज़र, वार्ड नंबर 61 से डॉक्टर मेराज अंसारी, वार्ड नंबर 64। देखिए, हमारे शेर उत्तर प्रदेश जनाब शौकत अली साहब मुरादाबाद तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने महानगर में महानगर की जो कमेटी है, वार्ड अध्यक्ष है, उसकी पूरी समीक्षा बैठक ली, ज़िले की भी ली उन्होंने पूरे मुरादाबाद की। तो हमारी खुशनसीबी है कि वो आज मुरादाबाद आए, और माशाल्लाह सारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, आशोक अली साहब मुरादाबाद है। क्या चर्चा रही मीटिंग में? मीटिंग में एक एक वार्ड की चर्चा करी गई, उनकी सारी समस्याएं सुनी गई, कौन कौन प्रत्याशी हैं वहाँ पे, समस्याएं क्या हैं, उनका हल क्या है, ये सब चीज़ों पर चर्चा हुई। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने यहाँ से सूची जो है हमें आदेश दिया कि आपकी सूची जारी करें, तो उसमें 11 लोगों को प्रदेश अध्यक्ष ने कैंडिडेट बनाया है। क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद से? अपील है, देखिए आपने 70 साल से सबको देख रहे हैं, अब अपने आप को देखिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, किसी और के कंधे पर रखकर जो है कब तक रोएंगे आप, अपने कांधों को मजबूत कीजिए, अपने हाथों को मजबूत कीजिए, और अपनी क़यादत की बात कीजिए। जब तक हम लोग अपने पैरों पर खुद खड़े नहीं होंगे, हमारा कोई सहारा नहीं बनने वाला, हमारा कोई काम नहीं निकलने वाला।
अब समाजवादी से और कांग्रेस से मुसलमान और दलित ये बदजन हो चुके हैं। और आप देखिए लोगों में जो जोश है, जो हमें मोहब्बत लोगों से, मुरादाबाद के लोगों से मिल रही है, उसका नतीजा यही है कि हम लोग लगातार मजबूत हो रहे हैं। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले नुक्कड़ सभा हो रही है और इंशाल्लाह ताला यहाँ से मुरादाबाद से हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीतेंगे और इंशाल्लाह मेयर भी जीतेंगे।